अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाव लुकिंग हैंडसम। तो अभी पूरा टाई सूट में देखिए दोस्तों, एकदम कंफर्टेबल है। अभी दूसरा वाला ब्लेजर भी लगा के दिखा दिया अपने परिवार को, तो सबको पसंद आ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बिल्कुल अपने कमरे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तिनसुकिया एकदम सुबह सुबह। आज हम लोग 4 बजे उठे थे, खाना वाना पकाया जेरी ने, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, जाएंगे स्लोली स्लोली। ये देखो इधर हमारा जेरी हुआ तैयार हो गई, तो हेलमेट भी रेडी है दोनों का। अभी चल ले, चलो पे हम लोग बाइक पे आ चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल रेडी। अपना ब्लैक पैंथर को आज चकाचक बनाना है। और खुशखबरी ये है कि जेरी के अभी हम लोग तिनसुकिया पहुंचने से पहले ही 50K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम उसके लिए। अरे हैंडशेक तो करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी वहां पे जाएंगे हम लोग, देखते हैं आगे क्या क्या होता है कि नहीं, सरप्राइज पे सरप्राइज। चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं तिनसुकिया पे, क्योंकि जाते वक्त जो है फिल्मिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा लगता है। ना कर पाओगे? अगर कर पाएंगे तो करेंगे। 2 घंटा दोस्तों राइड करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तिनसुकिया, और यहाँ पे सर्विसिंग पॉइंट पे अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आ गए। सुबह 8 बजे हैं, अभी 8 बजे पहुँचे हम लोग, 6 बजे निकले थे तो 8 बजे पहुँच गए, 2 घंटा लगा हमें। एंड अभी जो है ये इंजन जो है काफ़ी गर्म होता है ब्लैक पैंथर का या जो भी रॉयल एनफील्ड का, तो इसे यहीं पे रखेंगे हम लोग, कूल होने देते हैं, क्योंकि कूल जब तक नहीं होगा तब तक ये लोग सर्विस करते नहीं सर्विसिंग। तो उसके लिए मैं वेट करूँगा, उसके बाद जब खोलेंगे उसके बाद करेंगे सर्विसिंग, उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो भी करेंगे, और क्या क्या शॉपिंग वॉकिंग करना है वो भी करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये देखो बेचारी पूरा थक गई, ये भी बैठते बैठते मेरा भी पूरा ख़त्म पिचवारा मेरा पिचवारा भी पूरा बाइक राइडिंग करते, पता नहीं कैसे यार, जब मैं इस्तेद घूमूंगा कैसे राइड करूँगा, क्यों इतना दर्द देता है। शायद थोड़ा सा मोटा होना पड़ेगा, ज़्यादा पतला होना तो मसल असल नहीं है, इस कारण शायद ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा मोटा होना पड़ेगा मुझे। अभी कैसे बेच रहे हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा के यहाँ पे बेच रहे हैं, और यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव किया अभी, तो बातें किया, बहुत अच्छा लगा। एंड अभी मैं जाऊँगा आइसक्रीम देखने, काफ़ी गर्मी है, और मैं जैकेट अभी ये देखो सुबह में मतलब बाइक राइडिंग करने से ठंडा लगता है ना, इसलिए जैकेट लगाया था। तो अभी जैकेट को खोलता हूँ, उसके बाद जाऊँगा आइसक्रीम लाने के लिए, आइसक्रीम खाएंगे और यहाँ पे बैठे बैठे एंजॉय करेंगे, वेट करेंगे। देखो अभी भी 70 डाउन है। अभी आया हूँ दुकान पे दोस्तों, यहाँ से आइसक्रीम ले लिया और यहाँ पे एक दही ले लिया मैंने, तो अभी जाते हैं ठंडा ठंडा एकदम एंजॉय करेंगे। मैं और जेरी आ गए हैं, ये देखो स्पून में 2 लाना भूल गया था, एक मेरा वाला स्पून इसको दे दिया, और यहाँ पे वेलकम वेलकम। तो मैं ये ऐसे ही खाऊंगा, अरे कोई टेंशन नहीं, खा लो मैं इसे, बट ये ब्रो के लिए नहीं मिला सिर्फ 3 तो ही लाया था मैं तो ये मैं ऐसे ही खा दूंगा इसे। फाइनली दोस्तों वेट करते करते देखो खुल गया है, और सभी लोग आ चुके हैं। तो अभी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो दे दिया हूँ, और जो भी सर्विसिंग होगा वो होगा, उसके बाद हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, क्या करेंगे है ना, सरप्राइज सरप्राइज। 50K स्पेशल, 50K स्पेशल पिला दिया, माउंटेन ड्यू उधर के आगे जीत है अभी थोड़ा सा आराम, एकदम कूल यहाँ पे रेस्ट रूम पे है, और यहाँ पे फैन चल रहा है, पंखा, जेरी यहाँ पे पता नहीं फोन पे क्या देख रही है। तो अभी वेट करेंगे, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा हार्डली, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। अभी अपना ब्लैक पैंथर का जो सर्विसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, तो लगभग टाइम लगेगा 2 घंटे तक, तब तक हम लोग जो है शॉपिंग वगैरह करके आएंगे। यहाँ पे देखो जेरी अंदर पे तैयार हो रही है जाने के लिए। अभी मैं और जेरी जा रहे हैं ब्लैक पैंथर को तो सर्विसिंग पे छोड़ दिया है, जाएंगे हम लोग टुक टुक पे, है कि नहीं? हाँ। टुक टुक, अरे मेरा लेस खुल गया, इसे पकड़। वाह थैंक यू थैंक यू मैं भी सकना था, सक जाना था, मैं भी नहीं आता है मुझे ना लेस बंधना नहीं आता अच्छे से। हाँ हो गया, थैंक यू, ये लो फोन, चलो अभी पहुंच गए दोस्तों एक मॉल पे। यहाँ पे एक्चुअली मैं अपने लिए एक सूट देखने जा रहा हूँ, फॉर्मल सूट मेरे पास है नहीं है, तो बढ़िया सा एक फॉर्मल सूट देखने के लिए। रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना अंदर? अच्छा फाइनली ठंडा ठंडा कूल कूल मॉल पे घूम लिया दोस्तों, सूट तो मिला नहीं हमें, लेकिन ये वाला शर्ट ले लिया हूँ, काफ़ी पसंद आ गया, थोड़ा सा साइज में बड़ा है बट चल जाता है, वैसे भी मैं पतला इंसान हूँ, थोड़ा लूज ही पहनता हूँ मैं तो। ओ कहाँ पे पेमेंट? ओह हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे देना है ना। अभी पेमेंट देने के लिए आ गया दोस्तों मैं, और पेमेंट भी हो चुका है, तो अभी जाएंगे। एक्चुअली दूसरा चीज़ पसंद का मिला ही नहीं है, तो जो पसंद आ रहा है वो भी साइज में नहीं मिल रहे, तो एक ही तो शर्ट लेके जाना पड़ रहा है, तो अभी चलते हैं दूसरे वाले मॉल पे जाके हम लोग चेक करें।
बाहर निकलते इतनी गर्मी, अंदर में तो ठंडा है एसी का लेकिन बाहर में जल रहा है मेरा स्किन। तो अभी जाएंगे दूसरी दुकान पे। देखो भाई साहब शहर का नजारा, पोल्यूशन ही पोल्यूशन। अभी एक रिक्शा ले लिया है दोस्तों, अभी रिक्शे पे बैठ के, कितने सालों के बाद रिक्शा पे बैठ रहे हैं? हो गया लगभग 4 साल। 4 साल गुवाहाटी में जब थे वो टाइम पे बैठी थी, जब हम लोग जू पे घूमने गए थे तब रिक्शा पे बैठी थी तेरी। अभी उसके बाद आज का दिन अभी रिक्शा से भी उतर गए दोस्तों, यहाँ पे आए, मुझे ऐसे वाले सूट चाहिए थे। तो अभी चलते हैं अंदर, चलो चलो चलो। अरे बाबा ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो यहाँ पे भैया ने निकाल दिया है ये वाला सूट, देखिए दोस्तों मस्त सा। तो अभी लगा के देख लेते हैं ना मैचिंग होता है कि नहीं। और भी है एकदम पूरा रॉयल ब्लू कलर में, हाँ दिखाइए। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाव लुकिंग हैंडसम। देखो अभी लगा के देखते हैं, पहली बार एकदम बढ़िया है। बस ये जो साइज है थोड़ा छोटा, हाँ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 30 साइज का है, मुझे 32 चाहिए। हाँ ये भी ट्राई कर लो ब्लेजर। मीटिंग पे जाऊंगा, नरेंद्र मोदी के साथ जाओ। बाकी तो सब ठीक है ना? सब ठीक है, ये सब फिट है बस पैन। तो अभी पूरा टाई सूट में देखिए दोस्तों, एकदम कंफर्टेबल है, बस पैन थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया, एंड पैन भी वो बड़ा नहीं छोटा हो गया एक्चुअली, तो बड़ा कर देंगे बोले भैया ने, कोई टेंशन नहीं। कैसा लग रहा हूँ? मस्त। तो यहाँ पे जो है दोस्तों पूरा शॉपिंग हो चुका है, और भयंकर वाला शॉपिंग हो चुका है। तो बिल दिखाओ इधर में, पहले जो है 12,058 केवल मेरे कपड़े दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े है नहीं, तो मैं मतलब बढ़िया सा कलेक्शन रखने के लिए और एल्बम शूटिंग करेंगे हम लोग, उसके लिए चाहिए होगा, और ऐसे भी मतलब हम लोग का कुछ कुछ सरप्राइज है तो वो सब के लिए चाहिए होगा मुझे, तो इसलिए ले लिया है। और थोड़ा बहुत मतलब लास्ट में मैंने एंड डिसीजन में जो है ये वाला कलर वाला ले लिया है एक तो, और ब्लेजर एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे जो है चाहिए था ऐसा वाला ब्लेजर जो है ब्लैक कलर में लेने वाला था मैं पहले, उसका फिर से रेड लास्ट में जो ये वाला चूज किया, क्योंकि ये लगाने के बाद जो है अलग से ग्लो आता है शकल पे, तो इसलिए वो वाला ले लिया है। तो अभी पेमेंट भी कर दिया मैंने भैया को, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो सूट हमने लिया है उसमें जो पैंट है उसका साइज थोड़ा सा टाइट हो रहा था मुझे, तो उसको जो है बड़ा कर रहे हैं भैया लोग, और अभी भूख लग रहा है फिलहाल, खाना वाना खाना पड़ेगा ना, पहले पेट पूजा करते हैं उसके बाद। तो भैया यहाँ पे हम लोग सामान छोड़ के जा रहे हैं, अभी हम लोग जो है खाना वाना खा के आएंगे, और थैंक्स फॉर डिस्काउंट बहुत, और अच्छा बढ़िया वाला हम लोग आने के साथ साथ अपने हमारा जो चॉइस वाला वो दिला दिया, थैंक यू उसके लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया वाले हैं यहाँ पे सूट, और बाद में हम लोग फिर से लेने आएंगे, तो फिलहाल हम लोग अभी खाना वाना खा के आते हैं, उसके बाद जाते वाले लेके जाएंगे। चलो अभी हम लोग होटल पे आए थे दोस्तों, खाना वाना खा लिया, तो अभी जाएंगे जो सूट है वो लेंगे, उसके बाद अभी बाइक सर्विसिंग भी कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद बाइक में जो मॉडिफिकेशन है वो करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, दूसरा काम नहीं है। चले वी आर लकी, होटल से निकलने का साथ साथ हमें एक टुकटुक मिल गया डायरेक्ट विशाल मार्केट तक, वहाँ जाएंगे कपड़े वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर से हमें बाइक डीलर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा पेन जो सूट का पेन था वो भी आ चुका है दोस्तों, एंड अभी पैकिंग वगैरह होगा, पता नहीं कैसे लेके जाएंगे इतने सारे, वो भी बाइक में, कैसे ले जाओगे बाइक में? एक्स्ट्रा वाला ब्लेजर भी डाल दिया ना, एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे है बिल्कुल, ये क्या कलर बोलता है इसको, मरून क्या कलर, क्या है ये, क्या कलर बोलता है उसको, तोटा पैरोट, पैरोट कलर, अच्छा लाइट पैरोट। तो ये वाला ले लिया मैंने एक एक्स्ट्रा, और सूट तो ब्लू कलर का है ये देखिए। तो अभी पैकिंग वगैरह भी सब कुछ हो चुका है, दीदी ने बढ़िया से पैकिंग कर दिया, थैंक यू दीदी, हाँ जाएंगे अभी, ठीक है थैंक यू भैया, जाते हैं फिर से आएंगे। चलो बाहर में इतना गर्मी है ना, बाप रे बाबा हो गया। चलो यहाँ पे देखो पूरा सूट उट लगे रखे, चले चलो 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 भैया यहाँ पे रुके हुए हैं, चलो
हम लोग डीलर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, सर्विस सेंटर पे। तो यहाँ पे जो है अपना बाइक सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, अभी बस डीलर पे जाना है, आरसी लेना है। और ये जो गार्ड वगैरह था ना, ये चेंज किया था मैंने, तो ये इसमें रस्टिंग आ गई, ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो जाएंगे अभी, क्योंकि इसकी गारंटी मिली थी मुझे एक साल की, तो अभी तक 6 महीने हुए हैं, बस रस्टिंग हो गई। तो चले, काफ़ी लेट हो चुके हैं वैसे भी। सर्विस सेंटर से हम लोग डायरेक्ट डीलर पे आए दोस्तों, और मैंने अपना आरसी ले लिया ब्लैक पेंथर का। और उसके बाद अभी जो है यहाँ पे मैं आया हूँ फॉग लाइट लगाने के लिए। तो ब्लैक पेंथर में आज फॉग लाइट लगाएंगे यहाँ पे, एंड फॉग लाइट के साथ साथ सीट कवर और चेन लुक वगैरह भी लेके जाऊँगा। तो ये जो लेग गार्ड वगैरह है, ये आज चेंज नहीं हो पाएगी क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो इसमें कलरिंग करके लेके जाऊँगा मैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाएगी। और जब नया पहुँच जाएगा तो उसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तो मुझे मतलब दोबारा आना पड़ेगा। तो फिलहाल वेट कर लेते हैं, काफ़ी गर्मी लग रहा है और मनोज लोग भी वेट कर रहे हैं मेरे लिए। जैसे ये फिट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट। तो मनोज के लिए जो एल्बम के लिए भी है, उसका शॉट देना है मुझे यहाँ से जाने के बाद। अभी यहाँ पे फॉग लाइट लग रहा है दोस्तों मेरे ब्लैक पैंथर में। अभी लगने के बाद रात होने से भी एकदम क्लियरिटी आएगी, अभी पूरा फुल लाइट लगेगा। तो अभी मेरे ब्लैक पैंथर में फॉग लाइट लग चुके हैं दोनों तरफ में, अभी एकदम मज़ा इसमें जो है टिप 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 टिप, बिल्कुल दिवाली की तरह भी जला सकते हैं। यहाँ पे स्विच है, यहाँ से कंट्रोल ऑन ऑफ। और सीट कवर भी लगा लिया है मैंने, लेकिन सीट कवर जो है अच्छा वाला नहीं मिला है, क्योंकि हिमालयन में आता नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली ऑर्डर लेना पड़ता है और मेरे पास टाइम नहीं उतना। तो सेफ्टी के लिए मैं लगा के जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जुगाड़ लगाना पड़ा, कोई बात नहीं, सेफ तो हो गया है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, कुछ 1-2 महीने यूज़ करेंगे, उसके बाद नया वाला ऑर्डर दे देंगे हम लोग अच्छा वाला। यहाँ पे सब कुछ हो चुका है काम, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। मनोज लोग कॉल कर रहे हैं, और जेरी का हेलमेट पे भी एक शीशा लगा दिया, देखो अभी कोई टेंशन नहीं किरियोरे से बचने के लिए। तो अभी चलते हैं, अपना ब्लैक पैंथर बिल्कुल चकाचक हो चुका है आज, सीट कवर भी लग चुका है, फॉग लाइट लग चुके हैं, एंड सर्विसिंग भी हो चुकी है। तो अभी मैं ट्रैवल करने के लिए रेडी, बिल्कुल फिट था। तो फिलहाल चले जाते हैं दोस्तों, अभी बिल्कुल रात हो चुकी है और हम लोग तैरे गए रिजॉर्ट में मनोज का जो शूटिंग था वो वाला कंप्लीट करने के लिए, वो वाला पार्ट लास्ट पार्ट अभी मेरा वाला था। तो जब एल्बम आएगा तब रिवील होगा, मैं वैसे बता चुका हूँ कि मेरा पार्ट क्या होगा, बट आप लोग देखोगे, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 सेकेंड का ही पार्ट है बस, मतलब दोस्त ने बोला है तो मैंने मान लिया। वैसे मेरा भी एल्बम आ रहा है, अगले महीने हम शूटिंग करेंगे, उसके बाद अगले मई जून जुलाई जुलाई अक्टूबर तक, शायद अक्टूबर तक आ जाना चाहिए हम लोग का भी। तो देख लेते हैं अभी चले। ये देखो बेचारे पूरा थक गए, कान हो रही है। और हमारा प्रीतम दोस्त भी पहुंच चुका है, चलो चले चलो हमारे घर चलते हैं ना डायरेक्ट। चलो फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं, इतना देर राइडिंग करने के बाद 100 किलोमीटर से भी ज्यादा एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लिया, डायरेक्ट गया शूटिंग लोकेशन पे, शॉट लिया, और शॉट भी बिल्कुल यही ड्रेस पे, देखो गंदा मंदा सा ड्रेस पे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, अपने पास करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा रात होता भी तो मतलब शॉट लेना मुश्किल हो जाता ना, तो इसलिए ले लिया। और यहाँ पे देखो अजमेनुआ और हमारा प्रीतमुआ भी हमारे घर पे आए हैं, और ये देखो प्रीतम का वो स्कार्प और उसका चश्मा लगा के मैं गया था शॉट पूरा क्या करे, मेरे बाल वाल तो छोटे हैं ना इस कारण, और मैं टोपी भी नहीं लेके गया था, मैं हेलमेट लगाया था, और हेलमेट लगाने से शकल ही नहीं आना था, तो इसलिए वो जुगाड़ किया हम लोगों ने जो है डिनर भी कर लिया है, बहुत थकान हुई, मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया और पूरा सूट लगा लिया एकदम। रात को आप लोग सोच रहे होंगे क्या रूपम को क्या हो गया, सतक गया क्या दिमाग, एक्चुअली जो है मैं अपने परिवार को अभी तक अपना ड्रेस नहीं दिखाया, पहली बार जो अपने मेहनत के पैसों से इतना महंगा वाला ड्रेस खरीदा है, तो इसलिए परिवार को दिखाना तो बनता है। वैसे हम दिखाएंगे दिन में भी, लेकिन अभी खरीदने के साथ साथ दिखाना वो इसमें जो है अलग ही मजा है, तो अभी दिखाता हूँ। ये देखो पूरा लगा लिया है, और इधर पे सभी लोग गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, देखो बाहर में साली साहब जी, देखो 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 कैसा लग रहा हूँ, रणवीर सिंह दीपिका पाडुकोन, ये देखो दीपिका अभी दूसरा वाला ब्लेजर भी लगा के दिखा दिया अपने परिवार को, तो सबको पसंद आ रहा है, अपने मेहनत के पैसों से, इतने खून पसीने की कमाई से, काफी महंगे महंगे वाले हैं, मैंने तो लाइफ में इतना महंगा दाम भी सुना नहीं था, आज पहली बार लगा के भी देख रहा हूँ। तो ये है जिंदगी दोस्तों, देखिए अभी तक नया नया बैच भी नहीं खोला मैं अभी जब कहीं पे जाऊँगा, फंक्शन वगैरह होगी या फिर कॉन्सर्ट वगैरह कहीं पे भी, तो ये लगा के जाऊँगा। और हाँ, हम लोग का एल्बम भी शूट होने जा रहा है मेरा और जेरी का, जो कि मैं खुद गाऊंगा, मेरा आवाज़ खुद का आवाज़ होगा, लेकिन जेरी नहीं गा पाती है, तो उसके लिए अलग सिंगर को मैं हायर करूंगा। तो हम लोग का एल्बम में भी मैं ये सब ड्रेस लगाऊंगा, और जेरी के लिए भी स्पेशल एकदम व्हाइट व्हाइट वाले फ्रॉक स्पेशल वाले ना, ऑर्डर करना पड़ेगा वो।
अभी फिर से ड्रेस चेंज कर दिया मैंने, पूरा एक्साइटमेंट में क्या क्या कर रहा हूँ, जितने भी ड्रेस लाया हूँ एक एक करके सब पहन के देख रहा हूँ। और अभी यहाँ पे पूरा ताला लॉक करके मैंने रख दिया है, ये देखो पूरा फुल हो गया यहाँ पे बक्से पे भर के मैंने अंदर पे डाल दिया। अभी अभी मुस्कोई तो नेट भी लगा दिया दोस्तों, और जेरी बेचारी बहुत थक गई है, अभी सोने लग गई। तो मैं तो मुझे भी थकान बहुत हो गई है, बट मजबूरी है, मैं सो नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना, अभी फिलहाल जो शूट कर रहा हूँ उसको एडिट करके मुझे रात भर अपलोडिंग पे रखना होता है। तो अभी आप लोग जिस वक्त देख रहे हो ना, तो इसके पीछे इतना मेहनत है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं रात को 11-12 बजे तक, और गांव में 11-12 बजे कम नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग 7 बजे ही सो जाते हैं, तो मैं अकेला गाँव में ऐसा बंदा हूँ जो कि इतना लेट रात तक जो है जाग के वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे रखता है, उसके बाद सोता हूँ मैं। उसके बाद सुबह जगता हूँ तो सरप्राइजिंगली वीडियो अपलोडेड मिलता है मुझे, तो कम से कम 5-6-7 घंटा तो लगता ही अपलोड होने में। और सुबह अपलोड होने के बाद मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, उसके बाद शेड्यूल पे रखता हूँ 8 बजे। तो ये है मेरा जिंदगी दोस्तों। आप लोग जो कैमरे में देखते हो वो एक्चुअली जो है आप लोग मेरा कुछ 10% ही देखते हो, लेकिन उसका पीछे कितना मेहनत कितना लगता है मुझे, वो मुझे ही मालूम है। वो आप लोग को पूरा मैं दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वो सब दिखाना भी। तो इसी के साथ आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, अभी फटाफट से वीडियो एडिट करूँगा मैं। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।